bonk. Oh no. Guys, चिंता मत करो, हम दोनों में से कोई भी पागल नहीं होगा। हम तो बस कर रहे हैं टेस्टिंग टिकटॉक वायरल हैक्स। तो चलिए अब हम सारे हैक्स टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा पास होता है और कौन सा फेल। मेरा हैक बहुत सिंपल है, उसमें आप भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, बस गर्म पानी और ठंडा पानी, एक एकदम चिल और एकदम गर्म। तो उसको अच्छे से पता चले कौन सा ठंडा और गर्म है। तो हमने कलर लिया है, तो हम ठंडे पे ग्रीन डालेंगे, गर्म पे रेड। और हमारे प्रेडिक्शन ये है, जैसा वीडियो में टिकटॉक वीडियो में दिखाया था कि गर्म और ठंडा दोनों अलग रहेंगे, रेड ऊपर रहेगा और ग्रीन नीचे। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद पुटिंग द कलर। तो पहले कलर डालना है, तो जैसा अंजुका ने कहा था वार्म वाटर पे अंजुका भी रेड डालेगी। ये ग्रीन डाल दिया, अब चलिए इसको मिक्स कर देते हैं। तो अभी हम लोग इसको इसके ऊपर डालेंगे कार्ड को, जिससे कि वो पानी गिरे ना पहले। गाइस ध्यान रखना कि आप गर्म पानी को ठंडे के ऊपर डाल रहे हैं, ठंडे को गर्म के ऊपर नहीं। तो अभी मैं इसको धीरे धीरे डालूंगी। और ये हैक बिल्कुल मत ट्राई कीजिए, ये बहुत बड़ा फेल है। एपिक फेल, एपिक फेल, 0 out of 100 out of 100। इसमें तेरा मेरा दोनों का बेनिफिट होगा। क्या है ऐसा जो बेनिफिट होगा मेरे लिए? देख ना, हम दोनों घर बैठे इतना बोर होते हैं, कोई गेम नहीं, लूडो स्नेक लाया सब खेल लिया, और अभी हमारा मन करे चलो रेस करे भागे। चलो हम खुद नहीं भाग सकते, तो अभी हम लोग इधर स्पाइडर को भगाएंगे। क्या स्पाइडर को? चलो ट्राई करते हैं, मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हो गई। लेकिन स्पाइडर असली वाला नहीं होगा, डरो मत गाइस, स्पाइडर होगा मेरी ड्रॉइंग वाला। हाँ हाँ, चिंता मत करो, पास ही जाएगा, तो होप करो पास जाए। होप करती शायद इस बार पास जाए। तो गाइस ये हैक जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि इन्होंने ये फॉइल लिया और इसको ऐसे फोल्ड किया जिससे कि पानी बाहर ना जाए, फिर उन्होंने मार्कर लेके एक स्पाइडर की बहुत ही क्यूट सी ड्राइंग की है और फिर उसमें पानी डाला, तो वो अचानक से फ्लोट लगा और धीरे से फूकने लगे। वो चलने लगा। मैं दो तरह के मार्कर से करूंगी, एक है परमानेंट, एक है नॉन परमानेंट। तो देखते हैं किससे वर्क कर रहा है और किससे नहीं वर्क करता। ओके गाइस, तो पहले से फोल्ड करना होगा, फोल्ड कर। तो गाइस अभी मैंने दीवार बना दी जिससे पानी निकले ना, तो अभी हम लोग मार्कर से मेरी बहुत ही क्यूट ड्रॉइंग करेंगे। अब एक उस मार्कर से इधर कर, बहुत डार्क बनाया, लाइटली बनाना। तो अब देखो गाइस, ये मेरे दो दो स्पाइडर है, ये आयु स्पाइडर, ये अन्नू स्पाइडर। अब हम हल्का सा पानी लेके इसमें डालते हैं, चलो अब फूंकते हैं। तो गाइस ये हैक तो पूरा फेल है क्योंकि वो स्पाइडर बिल्कुल 1 centimeter भी नहीं है। इसमें तो कितना अच्छे से देखो रेस कर रहे हैं लोग, मेरा तो उठा ही नहीं लगता, मेरा आलसी स्पाइडर सो गया। उनको लगा लॉकडाउन में मुझे निकलना नहीं चाहिए, अपने पानी के अंदर ही रहना चाहिए। हाँ, उनको से रगड़ा भी पूरा निकल गया वो। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये हैक तो एपिक फेल है गाइस, अंशिका के दो हैक फेल हो चुके हैं। तो इसमें मेरा स्ट्रॉ भी बेकार गया और यहाँ तक कि पानी भी गिर गया। देखो ये पकड़ भी नहीं पाया पानी, देखो पूरा नीचे गिर गया है। ये तो है एकदम एपिक फेल। इसको घर में कतई ट्राई मत करना, एक तो मम्मा से अभी डांट भी पड़ेगी और उल्टा ये गंदगी भी हो जाएगी। हेलो गाइस, अब आप सोच रहे कि हम यहाँ किचन में एप्रन के साथ क्या कर रहे हैं। गाइस बहुत दिनों के हमने पिज्जा नहीं खाया और मन करता है पिज्जा खाने का, तो आज हम पिज्जा बनाएंगे मग में, रेस्टोरेंट में या तो जो मम्मी बनाते बहुत टाइम लग जाता है, आधा घंटा 15 मिनट। अब इस मग्गे को हम बस 2-5 मिनट में बना देंगे। सच्ची मैं देखती हूँ, मुझे तो नहीं लगता पास होगा, नहीं तो रेस्टोरेंट में ये मक्के तो कब का एकदम फेमस ही हो गया होता और ये खाया जाता अभी तक। चलो ट्राई करते हैं, वही तो हमें ट्राई करना है कि ये पास होगा कि फेल। चलो अब चेक करते हैं। तो मैंने एक मग ले लिया इधर, अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। गाइज मैंने इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो डाल दिए, अब मैं वेट इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू की हूँ। जैसे फर्स्ट है ऑलिव ऑयल, अब नेक्स्ट डालेंगे हम
अब इसको हमें मिक्स करना है। अब इसमें मैं और मिल्क डाल रही हूँ क्योंकि अभी भी ड्राई लग रहा है मेरे को। तो गाइज देखो, ये देखो मेरा बैटर तैयार हो गया है। तो गाइज अभी तो ये स्टार्ट में आपको बहुत कम दिख रहा है, बट जब ये फूलेगा तो काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। अब मैं इसमें पिज्जा सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा और पिज्जा सॉस ले रही हूँ मैं, ये मैंने फैला दिया। अब मैं इसके ऊपर चीज डालूंगी जो मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रखा था। तो गाइज इसमें उनने पेपरोनी डाला है, बट मेरे पास अभी पेपरोनी है नहीं, अवेलेबल ना ही मैं खरीद सकती हूँ, तो मैं अभी इसमें टमाटर डाल रही हूँ। और अब ऑब्वियसली अगर पिज्जा बनाना है तो उसमें ऑरिगैनो तो डालना ही होगा। तो वीडियो में कहा गया कि इसे 1 मिनट 30 सेकंड ओवन में डालना है, तो देखते हैं कैसे फूलता है कि नहीं फूलता है। तो गाइस मेरा तो पिज्जा बनकर तैयार हो गया है, तो गाइस मैं तो एक्साइटेड हूं खाने के लिए। गाइस ये देखो, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है और स्मेल में भी, अब देखते हैं टेस्ट में कैसा होगा। ये एकदम उसकी तरह स्मेल करे जब पिज्जा की तरह, नहीं नॉट पिज्जा टाइप, पेपरोनी पिज्जा जो आता है ना, जो फ्रेशली बेक जो घर में हम बनाते हैं ना उस पैन में, वैसा सेम स्मेल कर रहा है। कच्चा था नहीं है ये, देखो। ओके अब इसे ट्राई करते हैं। अच्छा तो गाइस अब मैं भी टेस्ट करती हूँ क्योंकि आई बोल रही है इतना अच्छा है। मेरे मुताबिक ये पास तो है, लेकिन मतलब हाँ। पिज्जा टेस्ट भी करता है अच्छा वाला पिज्जा नहीं। इट्स ओके, आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपका मन है, अगर आप पिज्जा लवर हो तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हो। तो गाइस ये मेरा सबसे फेवरेट हैक है क्योंकि इसमें हम दोनों का मतलब सबका फेवरेट चॉकलेट स्प्रेड और ब्रेड है। मैं तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो पहले चलो खोलते हैं। गाइस सबको मीठा तो बहुत पसंद है, तो ये तो मजा आएगा हमें खाने में। है कितना अच्छा दिख रहा है चॉकलेट, क्या है ना हम घर के बाहर लॉकडाउन के समय जा नहीं सकते। तो चलो पहले हम लोग इसको ब्रेड में डालते हैं। हमारा फूड फेविकॉल मतलब पानी लगाने वाले दूसरे ब्रेड में, जिसको चिपके जब हम लोग डाले। तो चलो मैं इसको ब्रश से डाल देती हूँ। तो अभी मैं चेक कर लूँ कहाँ है मेरा चॉकलेट, यहाँ। तो मेरा एकदम अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब एक आयु एक मैं, चीयर्स। अभी ट्राई करते हैं अनुष्का ने कैसे बनाया है। एकदम क्रंची और अच्छा था, बहुत अच्छा है, जैसे वॉफल्स। तो नटेला वॉफल्स लग रहा है। गाइस आप भी ट्राई करो, मैं इसको 10/10 दे रही हूँ, ये तो मेरे 100% पास है। हाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, मेरे सिल्की सिल्की बाल भी उड़ रहे हैं। मैं तो समर के लिए एक बहुत अच्छी टू डू लिस्ट बनाई थी, मैंने सब कर लिया है, बट उसमें से एक बाकी रह गया है, अपने बाल को डाई करना। मुझे मेरे बालों को डाई करना है, बट मैं कैसे डाई करूँ जब लॉकडाउन है, ना ही मैं सैलून में जा सकती हूँ, कुछ घर बैठे बैठे ही करना होगा। अरे वाह, मुझे एक हैक मिल गया, टिकटॉक हैक, जिससे कि मैं मेरे बालों को डाई कर सकती हूँ, वो भी घर बैठे बैठे। तो गाइस जैसे आपके साथ भी होता है ना, मन करता है अपने बाल डाई करो समर में और आराम से मतलब बाल कलर रखो, पर क्या है लॉकडाउन की वजह से हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, ना ही सैलून खुले, तो हम आज घर बैठे बैठे अपना बाल डाई करेंगे। तो आगे अभी मैं मेरे हैक के साथ। तो अनुष्का तुझे क्या लगता है कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ? हम ट्वीजर्स देख के लग रहा है कोई साइंस एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन जब मैंने इसको देखा मुझे लगा कोई आइसक्रीम या तो कुछ डिलीशियस फूड इंग्रेडिएंट बनाएंगे। तो तू गलत है, आज पता है मैं क्या करने वाली हूँ? क्या? मैं मेरे बाल डाई करने वाली हूँ, पूरा नहीं बस एक दो स्ट्रैंड्स करूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता ये पास हो रहा है, क्योंकि अगर पास हो जाता है
तो मतलब सारे सैलून ही बंद हो जाएंगे ना। ट्राई करने में क्या, जो लोग ट्राई करते हैं इस हैक को, तो उसमें दिखाया गया था कि हमें स्केच पेन लेना है इसे, तो मैंने एक स्केच पेन लिया, इसका बैक का पार्ट निकालना है और उसके बाद ट्वीजर लेना है, ट्वीजर से इसका अंदर का चीज निकालना है, मैंने इसे निकाल दिया, उसमें दिखाया था कि हमें पानी में ऐसे डिप करना है। ओके गाइस, मैंने तो ये रेड उसमें दिखाया गया था, देखो मैंने गाइस निकाल दिया है रेड डाई थोड़ा सा, उसके बाद मैं कंडीशनर लूंगी, अब इसे मिक्स करना है, मिक्स 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 मिक्स। तो गाइस मैंने देखो ये निकाल दिया है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो गाइस देखो मैं इसे हाईलाइट जैसे अप्लाई करूंगी, तो मैंने इसे मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा गाइस, ठीक है अगर ये फेल गया तो मुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। तो गाइस देखो मैंने स्टैंड ले लिया है, अब मैं ये डाई को डालने वाली हूँ। तो गाइस अभी मेरा एक तरफ का हो गया, देखो मैंने उसमें ये कलर डाला था, तो गाइस अभी एक तरफ का हो गया, जितना भी बाकी है तो दूसरी तरफ में डाल दिया जाएगा। तो गाइस मैं मेरे बाल पे डाल दी, मुझे नहीं पता से मेरे बाल ड्राई हो सकते हैं, रफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे बालों को। गाइस मैं अजीब दिख रही होंगी इस समय फॉइल के साथ। तो अब गाइस उस वीडियो में तो मेंशन नहीं किया गया कितना टाइम, बट आई थिंक मैं से एक घंटे तक छोड़ने वाली हूँ। तो गाइस अली ने अपना बाल धो के सुखा भी लिया है और आउटकम तो लाइक के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। गाइस मैं कितनी एक्साइटेड थी इसके लिए, बिल्कुल काम ही नहीं किया, अभी के अभी वही डार्क ब्राउन कलर के है मेरे बाल। तो गाइस ये हैक तो 100% फेल गया, मतलब इतनी मेहनत की उल्टा एक अच्छा सा आयु ने मेरा स्केच पेन खराब कर दिया। तो गाइस हम तो टोटल में 5x ट्राई किए, मैंने 3 किए, आयु ने 2 किए, मेरे 3 में से 2 फेल और 1 पास, एकदम अच्छा वाला पास, और मेरे में से 1 फेल और 1 पास, 5 में से हमारे सिर्फ 2 पास और 3 फेल, तो उतना भी अच्छा नहीं गया हमारे वीडियो, क्योंकि मतलब मोर लेस देन हाफ था, लेकिन फिर भी जो भी पास गए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ गाइस मोस्टली तो दिखाया जाता है कि ये हैक ट्राई करो, ये हैक ट्राई करो, बट एक्चुअली वो वर्क नहीं करता, तो वही हम आपको दिखाना चाहते थे कि ये काम नहीं करता है, तो आपको अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आई की इतनी मेहनत के लिए, और टिकटॉक को जरूर फॉलो करना वो ट्रांजिशन देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।